और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है भीलवाड़ा से, जहां पर प्रेम देवी सोमानी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। धरने पर व्यापारी, हमीरगढ़ कस्बे के बाजार बंद हैं। कल व्यापार मंडल की बैठक में लिया गया था बाजार बंद करने का फैसला। 15 अगस्त को प्रेम देवी सोमानी का शव मिला था। प्रेम देवी सोमानी का पति भी घायल मिला था। हमीरगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे पड़ताल पुलिस की ओर से इस मामले में जारी है। तो बड़ी खबर है ये, बड़ी अपडेट है। सोमानी हत्याकांड मामले में हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। धरने पर व्यापारी बैठ चुके हैं। हमीरगढ़ कस्बे के बाजार बंद रखे गए हैं। कल व्यापार मंडल की बैठक में बाजार बंद करने का फैसला लिया गया था। 15 अगस्त को प्रेम देवी सोमानी का शव मिला था और आपको बता दें कि प्रेम देवी सोमानी का पति भी घायल मिला था। पुलिस मौके पर मौजूद है, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। धरने पर बैठे हैं तमाम व्यापारी और बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है कल हुई बैठक में। स्थानीय संवाददाता श्याम गुर्जर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। श्याम, अपडेट बताएं इस खबर पर। जी बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त की रात को एक प्रेम देवी सोमानी की हत्या हुई थी। उनका पति वह भी घायल मिला था। 15 दिन बाद भी हत्या का खुलासा नहीं होने के कारण कल व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह के सानिध्य में एक बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक बाजार बंद रहेंगे। फिलहाल बाजार बंद है। व्यापारी नरसिंह माता मंदिर के वहाँ धरना दे रहे हैं लगातार। धरना व्यापारियों की ओर से लगातार दिया जा रहा है। शाम मांग क्या की जा रही है? इनकी एक ही मांग है कि प्रेम देवी के जो हत्यारे हैं उनका खुलासा हो, हत्यारे जल्दी पकड़े जाए। पुलिस मौके पर मौजूद है। शाम, तस्वीरें हम देख रहे हैं, धरने पर तमाम व्यापारी बैठे हुए हैं। कार्रवाई कहां तक पहुंची पुलिस की इस खबर, इस पूरे मामले में? जी बताना चाहूंगा कि जो हमीरगढ़ सीआई है पुष्पा कासोटिया, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है कस्बे में। तो कस्बे में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर कार्रवाई की मांग, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।